ಮುಳಕ ಜಾಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿ ಕೂಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೇಮಾ ಮೆಹರಾ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ और एक बार फिर मैं आपके साथ कमल मेहरा. ये हम लोग टाना से जब वापस आए थे तो पन्याली रानीखेत में जो हमारे बड़े भाई हैं उनका घर है, यहाँ पर हम लोग आए हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें आगे मंदिर जाना है. तो ये जिस दिन हम घर पे आए तो यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली है जिसके साथ, जो बड़ी नटखट है, नाम क्या और है इसका नाम है पुसी. और ये जो बच्चे हैं बहुत इसके साथ खेल रहे थे और ये सबके साथ एंजॉय कर रही थी. अब हम लोग जो है इस समय पे यहाँ से निकल गए हैं, जो हमारे रानीखेत क्षेत्र की कुलदेवी हैं, झूला देवी मंदिर, जो झूला देवी माता का नाम से जो मशहूर हैं, उनके मंदिर में हम लोग जा रहे हैं. क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं रानीखेत क्षेत्र में तो हमें इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, और हम लोग जाते ही जाते हैं. क्योंकि जब भी हमारे यहाँ जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, जिनकी नई नई शादियाँ होती है, वो इस मंदिर में ज़रूर जाते हैं दर्शन करने के लिए. क्योंकि हमारे रानीखेत क्षेत्र की कुलदेवी हैं, रक्षक जिन्हें कहते हैं पूरे रानीखेत क्षेत्र की, इनकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है. जब कई सौ साल पहले जब रानीखेत क्षेत्र पूरा जंगल हुआ करता था, यहाँ पे इस तरह से कैंटीन एरिया जो आज आप देख रहे हैं, कैंटोनमेंट एरिया, ये पहले कैंटोनमेंट एरिया नहीं था. तब यहाँ पे लोग जो है बड़े बड़े दूर दराज से अलग अलग गाँव में रहते थे. तो उस समय पे यहाँ पे क्या होता था कि जंगली जानवर जो थे बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो वो लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना, इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के परेशान हो गए थे. तब किसी के सपने में ये जो है झूला देवी माता आई, उन्होंने बोला कि इस जगह पर जो है मेरी मूर्ति है, उसकी स्थापना यहाँ पर आप लोग करो, मेरा मंदिर यहाँ पर बनाओ. तो जब इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई, तब से यहाँ पर सुख शांति जो है उस समय से बनी हुई है. तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का, हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत मान्यता भी है. क्योंकि हर किसी के क्षेत्र की, हर कई हर जगह में, चाहे किसी के भी यहाँ पर हो, उनकी कुलदेवी ज़रूर होती है, जो उनके क्षेत्र के कुलदेवी और उनके यहाँ के देवता जो होते हैं वो होते ही होते हैं. ऐसे ही हमारे रानीखेत क्षेत्र के लिए हैं. और यहाँ पे घंटियाँ बहुत है ना. हाँ, घंटियाँ होने का कारण ये है कि जब भी यहाँ पे किसी की मान्यता मन्नत जो है पूरी होती है तो वो लोग आके यहाँ पे घंटी बांध के जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मन्नत पूरी हो, कई लोग वैसे भी खुशी से ही मान जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो घंटी जो होती है मन्नत पूरी होने पे ही बांधते हैं. तो आप यहाँ पे देखना, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे. हाँ, अब हम पहुँच गए हैं. तो अब यहाँ से हम लोगों ने आगे जाएंगे, आगे आपको मंदिर दिख रहा होगा, और अब आपको दिखेगा कि मंदिर में घंटियाँ देखिए कितनी हैं यहाँ पर बाहर से. ये देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि घंटियाँ यहाँ पर होती हैं, तो ये देखिए घंटियाँ कितनी, मतलब लाखों घंटियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि कई सौ साल से लोग यहाँ पे घंटियाँ बांधते हुए आ रहे हैं. ये बाहर की तरफ भी अब घंटियाँ, पहले तो अंदर ही होती थी, क्योंकि अब घंटियाँ अंदर इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब बाहर बनना चालू हो गई हैं. ये देखिए बाहर से भी लोग आ रखे हैं, ये नहीं कि उत्तराखंड से ही लोग हैं, बाहर से भी लोग आ रखे थे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, वैसे भी लोग घूमने आते हैं, पर्यटक स्थल है रानीखेत जो है. लेकिन ये जो मंदिर है ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसलिए लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए, चाहे कहीं से भी आए. ये देखिए, और ये ज़्यादातर वो है फोटो खींचने वाला पॉइंट फ्रंट में जो गेट के सामने. हाँ, जो हम लोग फोटो खींचते हैं. बहुत ही सुंदर मंदिर, मतलब अच्छा मंदिर, मान्यता है, बहुत अच्छा लग रहा. ये बाहर जो है एक सरदार जी की दुकान है, ये भी यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और पहाड़ी भाषा ही बोलते हैं. ये जो है यहाँ पे कड़े वगैरह ये चीज़ें बेचते हैं. ये सामने दुकान है, यहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं, घंटियाँ लेते हैं चढ़ाने के लिए. जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे, सबने अपने चप्पल जूते, बच्चों ने भी उतारे, हमने उतारे. यहाँ पे थोड़ा बंदर जो है ना, इनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रसाद खरीदते हैं, प्रसाद आप आपके हाथों से लेके चले जाते हैं. ये अधिकतर जगह पे होता है, जैसे आपने वैष्णो देवी में भी देखा होगा पहाड़ों वाले एरिया में. हाँ, बंदर ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा सा जो है प्रसाद वगैरह छीन के चले जाते हैं. तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं. कितने बताया दादी ने? घंटी थोड़ा ऊँची थी तो थोड़ा सा बज नहीं पा रही थी, तो चल के बजानी पड़ी, फिर बच्चे से भी मैंने बजवाई. ये देखिए अंदर कितनी घंटियाँ, ये चारों तरफ घंटियाँ. जय माता दी, जय झूला देवी मैया की जय.
बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही माता रानी की दया दृष्टि बनी रहे हम सब पे। हम लोग हर साल यहाँ पर आए, ये देखिए हमने भी एक घंटी ली थी, हमने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, बस ऐसे जब भी हम लोग आते हैं तो बांध देते हैं घंटी, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि हमने मांगा है कि हमें ये चाहिए, वैसे ही जब भी हम आते हैं घंटी बांध देते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ देख रही थी कि ढंग से बंधी है नहीं बंधी है इसलिए, और अब हम आगे जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ से प्रसाद वगैरह चला गया पीछे, क्योंकि जब मंदिर में प्रसाद वो जाते हैं पीछे साइड में ज़्यादा घंटियाँ बंधी हुई है ना, तो अभी पीछे से एक चक्कर लगा के घूम के दोबारा वापस आते हैं। तो ये देखिए बैक साइड में भी देखें आप पीछे साइड कितनी घंटियाँ, पूरी घंटियों से लबालब मंदिर है ये, और हम तो कई सालों से देख रहे हैं जब से हम छोटे हैं, उससे भी पहले से, मतलब देखिए तो जब भी आप लोग रानीखेत आए यहाँ पे धूप वगैरह नहीं चलाने दे रहे थे। हाँ वो बाहर जलाते ना, मना कर रखा था। तो जब भी आप लोग रानीखेत जाएं घूमने के लिए, ये देखिए तो इस मंदिर में जरूर जाएं, माता का आशीर्वाद जरूर लें। देखिए घंटियों का भरमार है, क्योंकि सभी लोग जो भी यहाँ पर आते हैं घंटियाँ जरूर बांधते हैं। हमारे क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन फिर भी जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वहाँ जरूर आते हैं। अब हम जा रहे हैं घर को, और यहाँ मानिक की चल रही है मस्तियाँ गाड़ी में, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर ताड़ीखेत और भिंस महादेव, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा आपका, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। और आप लोगों को इनकी वॉइस ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे लग रहा है, तो इनकी ही वॉइस मैं ज़्यादा ओवर करा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।